गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है 0.7 और 2.8 के बीच माध्यानुपातिक का अनुपात और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक है, यानी कि क्वेश्चन में माध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात पूछ रहा है। 0.7 और 2.8 का माध्य अनुपात निकालना है। तो माध्य अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह रूट ए बी होता है। तो 0.7 को ए मान लिए और 2.8 को बी मान लेते हैं, और रूट ए बी माध्य अनुपात निकालने के लिए, तो रूट अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो दशमलव हटाने पे एक जीरो आएगा, फिर दशमलव हटाने पे एक जीरो आएगा, और रूट के अंदर यदि 2 10 है तो बाहर तो 1 10 आएगा ना। उसके बाद 28 को यदि हम तोड़ते हैं तो 28 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 2 दुना 4 और 4 7 28, यानी कि 2 2 है रूट के अंदर तो 1 2 2 बाहर आएगा। उसके बाद 2 7 है रूट के अंदर तो 1 7 भी बाहर आएगा, यानी माध्यानुपात जो हो जाएगा आपका 7 दुनी 14 बट्टा 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.5 और 3.5 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। तो 3:5 को बी मान लेते हैं और ए 2.5 होगा, तो बी स्क्वायर यानी कि 3.5 × 3.5 बट्टा ए यानी 2.5। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं, दशमलव से दशमलव खत्म, तो 25 25 और 5 7 35, और फिर 5 से अगर काटते हैं तो 0.7 होगा क्योंकि यह 3.5 था। अब यदि 0.7 को 7 से गुना करते हैं तो 4.9 होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा था मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात 14 बट्टा 10 है और तृतीय अनुपात जो है वह 4.9 है, यानी कि 49 बट्टा 10 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटाने के बाद एक जीरो आएगा। अब 10 से 10 खत्म, 7 2 14 और 7 7 49, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 2.2:7, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 4 6 के चतुर्थानुपाती और 4 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 8 का, तो सबसे पहले चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात पूछ रहा है। तो चतुर्थानुपाती जो निकालेंगे तो सबसे पहले दिए गए अंक को सजा लेंगे, यानी 2 4 और 6 का हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो अनुपात और समानुपात के रूप में पहले सजा लेंगे। तो अनुपात में कैसे सजाएंगे कि 2:4 होगा, 2:4 और समानुपात चतुर्थानुपात निकालने के लिए 6:x मान लेते हैं, x यानी कि चतुर्थ निकालना है। तो उसके बाद जो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 2 बट्टा 4 लिख सकते हैं, फिर समानुपात का मतलब बराबर होता है और 6:x यानी कि 6 बट्टा x लिख सकते हैं। 2 से 2 3 6 और बैक क्रॉस गुना यदि होता है तो x इधर आएगा और 4 उधर जाता है, तो x बराबर 12 जो हो जाएगा यही आपका चतुर्थानुपाती होगा। और कह रहा था फिर तृतीयानुपाती क्वेश्चन में, तो तृतीयानुपाती 4 8 को निकालना, 4 8 को निकालना था ना, तो फिर वही फॉर्मूला 4 और 8 का तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती निकालने के लिए बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 × 8 / a, तो a यानी 4 और 4 × 8 हो जाएगा बराबर 16। और क्वेश्चन में कह रहा था चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती 12 है और तृतीयानुपाती 16 है। अब इससे 4 3 12 और 4 4 16 यानी हो जाएगा 3:4 आंसर, ठीक ना। ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 3:4 यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो 2 घनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वह 3:4 है,
यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो घनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वह 3:4 दिया गया है। क्वेश्चन में दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया है और इन्हीं दोनों घनात्मक संख्या का जो योग है ना वह 728 दिया गया है। जब यह अनुपात में दिया होगा तो अनुपात से पहले तो इसमें दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, तो कॉमन तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि 3x कॉमन इसमें भी रहा होगा और x इसमें भी रहा होगा, तो 4x मान लेते हैं। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, तो जब इन दोनों संख्या को घन करेंगे ना 3x का क्यूब, घन मतलब क्यूब, योग कह रहा है तो योग, और फिर 4x का क्यूब करेंगे। अब इन दोनों के क्यूबों का योग कितना 728 है, तो बराबर 728 हो जाएगा। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 3×3 9 और 9×3 27 यानी कि 27x क्यूब होगा प्लस 4×16 और 16×64 यानी कि 64x क्यूब होगा बराबर 728। 27 और 64 को यदि ऐड करते हैं तो 91x क्यूब होगा बराबर 728। 91 से अगर काटते हैं तो 91×8 728 होगा, यानी एक्स क्यूब बराबर जो हो जाएगा 8 है, एक्स क्यूब बराबर 8 होगा। यदि क्यूब उधर जाता है, 3 क्यूब उधर जाता है तो घनमूल हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 का यदि घनमूल निकालते हैं तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या रहा था कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3x और 4x हो जाएगा कितना, 3x और 4x 7x हो जाएगा, और कह रहा था अब 7x योग पूछ रहा था, तो 3x और 4x 7x 7x और x का वैल्यू यहां से 2, तो 7×2=14 हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। यानी ऑप्शन जो होगा आपका, अगला क्वेश्चन जो है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, संख्याओं का औसत 60 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीन संख्या दिया गया, तो मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x रहा होगा, तो दूसरी संख्या का कितना है 3 गुनी पहली संख्या यानी कि 3x, और फिर आगे पढ़िएगा क्वेश्चन, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, कह रहा है दूसरी संख्या जो होगा दूसरी संख्या वह तीसरी के आधे का बराबर होगा, तो तीसरी यदि 2x होगा तो 2x का तो आधा x हुआ, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है तो आधे के बराबर है, तो संख्याओं का औसत 60 है, इन तीनों संख्याओं का औसत 60 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन में औसत दिया गया है, एवरेज दिया गया है, तो एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं को एड करके 3 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा, तो 3x और x, 4x और 2x, तो 6x हो जाएगा। अब 6x में यदि 3 संख्या है, 1, 2, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यदि एवरेज निकलेगा, और एवरेज दिया गया है क्वेश्चन में 60 है, ठीक ना। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 3×6 हो जाएगा, और 3×6 और उसके बाद 2 से 30 यानी x बराबर जो आएगा 30 होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, ये नहीं कह रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या तो 2x है, और 2x में x का वैल्यू 30 है, तो 2×30 होगा यानी कि 60 आंसर, ठीक ना। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 3:2 है, यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितनी पानी मिलाना होगा।
देखिए, 1.75 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वह कितना है, 3:2 है, और इस 3:2 रेशियो में दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो 75 लीटर है मिश्रण का मान, ठीक ना, तो 3 और 2 यदि हम रेशियो में ऐड करते हैं तो 5 होगा और एक्चुअली जो है वह 75 लीटर है, ठीक ना। अब यदि हम 5 से 75 को काटते हैं तो 5 × 5 15, 5 75 हो जाएगा, यानी कि अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा वह 15 आएगा, और यहाँ अनुपात 3 है तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा ना, और उसके बाद अनुपात 1 का वैल्यू यदि 15 है तो अनुपात 2 का वैल्यू 30 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। इसी को अगर 1:2 करना है तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो पानी मिलाएंगे, और तो पानी मिलाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले 45 बट्टा कह रहा है पानी मिलाने के लिए, तो एक्स लीटर पानी मिला दिए, माना कि एक्स लीटर पानी मिला रहे हैं, तब जो अनुपात होता है वह 1:2 हो जाता है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे, 1:2 दिया गया था यानी बट्टा दिया गया था, तो बट्टा के रूप में लिखे, ठीक ना। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीपल पहले करेंगे, तो 45 और 2 इधर आएगा और 30 + x 1 से गुना होगा, तो अब क्या होगा, 45 × 90 = 30 + x होगा, ठीक ना। अब 30 यदि इधर आता है तो घटेगा, माइनस में आएगा, तो 30 90 में से 30 अगर घटता है तो x = क्या हो जाएगा 60। x = यदि 60 होता है तो क्वेश्चन में कह क्या रहा था, सॉरी हाँ क्वेश्चन में ही कह रहा था तो कितना पानी मिलाना होगा, तो माने थे x लीटर पानी मिलाना है, तो x = 60 है यानी कि 60 लीटर पानी मिलाना है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को अगर 8,40,000 में बेचने पर प्राप्त लाभ 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, 8,40,000 जो है आपका एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया गया है, और पूछ रहा है सीपी 20% लाभ पे। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में एसपी दिया रहे और पूछे सीपी, एसपी दिया रहे और पूछा पूछ रहा है सीपी, तो क्या करेंगे, और लाभ भी दिया है तो एसपी गुने 100/120 यानी उल्टा गुना करेंगे तब सीपी आएगा, और अगर सीपी दिया रहे और पूछे एसपी तब तो सीधा गुना करेंगे 120/100 तो आ जाएगा एसपी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वह एसपी दिया गया है यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, जब विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ 20% दिया है तो सीधा गुना करेंगे यानी कि उल्टा गुना करेंगे 100/120, अब जाके जो इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, ठीक ना, इसे मिटा देते हैं। जीरो से जीरो खत्म, बरम सठ बरछक बहत्तर बर सत्ते 84 और 7 × 4 = 5150 यानी कि 5 लाख जो हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, आंसर जो है सी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 12 वस्तु का एसपी जो है 15 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, दोनों आपस में एक दूसरे का बराबर है। अब क्या करेंगे कि रेशियो में पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एसपी बट्टा सीपी और 15 का 15 रहेगा, 15 और 12 इधर आएगा तो 15/12। अब 3 से 4 बार में जाएगा और 3 से 5 बार में जाएगा, यानी एसपी जो है 5 है तो सीपी 4 है। अब लाभ का रेशियो पूछ रहा है, 4 रुपया की वस्तु हम यदि 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया तो लाभ हो रहा है ना, और यदि 1 रुपया लाभ हो रहा है तो कितने में, 4 में ना 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो सीपी को नीचे में लिख के और जो लाभ होता है ऊपर में लिख के गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा, यानी 4 से अब काट रहे हैं काटेंगे तो 25% जो हो जाएगा लाभ होगा, 25% लाभ होता है ना, यानी ऑप्शन जो है आपका डी।
अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है, एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए वो 28,800 मतों से हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि डाले गए मतों की जो कुल संख्या है वह 100% मान लेते हैं, और हारने वालों को यदि 38% वोट मिला है तो जीतने वालों को तो 62% मिला होगा, क्योंकि 100 में से 38 घटाएंगे तो 62% होगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 28,800 मतों से हार चुका है, यानी कि दोनों में जो अंतर है वह 28,800 मत का है, तो परसेंटेज में दोनों में अंतर कितना होगा? परसेंटेज में दोनों में अंतर जो होगा 62 में से यदि 38 घटाते हैं तो 24% का, ठीक ना। और 24% बराबर जो दिया गया है क्वेश्चन में 28,800 मत, ठीक ना, इतना ही दिया गया है 28,800। अब कह रहा है टोटल मत कितना होगा, डाला गया टोटल मत, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100% बराबर निकालना है, तो पहले 1% बराबर जो हो जाएगा वह 28,800 बट्टा 24 गुने 100, इधर भी 100 से यदि गुना करते हैं तब तो 100% निकलेगा। अब 24 से एक बार में, और 24 से कन 24 चार बचा, तो 24 दुने 48, फिर 20, उसके बाद 100, तो ये 20 ही होगा, यानी कि 120,000 वोट टोटल था। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टी डी ने पार्टी आर को कुल मतों के 12% से हराया, यदि पार्टी आर को 17,600 वोट मिले तो वह कितना मतों से चुनाव में पराजित हुआ, कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ। कह रहा है दो पार्टी है, एक डी पार्टी है दूसरा आर पार्टी है, इन दोनों में हार जीत में जो अंतर है वह 12% वोटों का अंतर है, तो 12% वोटों का यदि अंतर है, मान लेते हैं टोटल वोट जो रहा होगा वह 100% रहा होगा, लेकिन इन दोनों में हार जीत में जो अंतर है वह 12% का है, तो 112% का दोनों में अंतर होना चाहिए, यानी कि इसका यदि 56% रहा होगा तो इसका 44% रहा होगा, 56 और 44 में 12 का अंतर है, और 56 और 44 यदि ऐड करते हैं तो 100 हो जाता है, यानी कि टोटल। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12% से हराया, यदि पार्टी आर को 176,000 वोट मिले तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ, यानी पार्टी आर को जो है 44% में, परसेंटेज में तो 44% मिला है और अंक में जो मिला है वह 176,000, ठीक ना, 176,000 वोट मिला है टोटल। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ, यानी कि 12% कह रहा है निकालने के लिए, 12% से ना हार जीत हुआ है तो 12% निकालने के लिए कह रहा है, तो 1% के लिए क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, 176,000 बट्टा 44, और 12% निकालना है तो 12 से इधर भी गुना और 12 से इधर भी गुना। अब देखिए अगर 4 से 4 एकन 4 और 4 3 12, उसके बाद 11 कन 11 और 11 6 66 और 3 0 का 3 0, अब फिर गुना कर देंगे 16 3 48,000, यानी कि 48,000 वोटों से जो है आर ने हारा है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर।